डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. नहीं, अब एक ही दिशा निर्देश है पूरे देश में कोरोना के बारे में ही है, बट हाल फिलहाल जितने भी सैंपल्स थे या सब नेगेटिव आ गए, तो दैट मीन्स अभी तक सेफ है. यहाँ डॉक्टर्स का टीम बढ़िया है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले रहे थे वो पूरा लागू है. ये भी एक बार चेक किया, स्टाफ को बात भी की. आई फाइंड थिंग्स आर इन प्लेस, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है इसको कितने दिन तक हम रोक रखेंगे. जितना आप सावधानी रहो उतना आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे. अगर एक सा भी छोटा सा चूक हो जाए तो फिर इट विल लीड टू ए, जैसे जयपुर का हमारी प्रॉब्लम हो गई. बट फॉर्चुनेटली अभी हमारे 130 में 80 नेगेटिव आ गए विद इन 7 दिन के अंदर. 80 आ गए तो 80 अपने वापस आ गए, तो जितना हमको लग रहा था उतना जल्दी भी रिकवर हो रहे. तो एसिम्प्टोमेटिक बहुत हो रहे वहाँ पे. तो यही है यहाँ के प्रिवेंटिव मेजर, बट आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ के सिस्टम्स इन प्लेस है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए. सर, बाहर से भी कई जो है, अभी यहाँ पे भी जो है दरगाह से एक पॉजिटिव आ गया था, हालांकि वो वहीं पे ही चेक हो गया. तो उसको अब जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया ना, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो गया. पहले तो ये था कि स्क्रीनिंग करते, स्क्रीनिंग का मतलब आपने देख लिया भाई ठीक है क्या, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट वो सिम्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है. अब उसके वजह से जयपुर जेल में हो गया, सेंट्रल जेल में हो गया, डिस्ट्रिक्ट जेल में भी हो गया. तो हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि नहीं, अब आप बाकायदा टेस्ट करा के ही अंदर लेंगे. तो उससे क्या होगा, जो भी गिरफ्तार करेंगे जुडिशल करके हॉस्पिटल में ले जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, अगर नेगेटिव आ जाता है फिर हम अंदर लेंगे, बट उसको ये नहीं मानेंगे वो क्लीन है. तो कोर्ट ने भी ये कहा 14 दिन तक आप इनको अलग आइसोलेशन वार्ड हमने रखा है, उसमें कोई नहीं जाएगा. 14 दिन के बाद एक टेस्ट और होगा, उसके बाद अगर वो नेगेटिव आता है फिर हम उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं. तो उस हिसाब से जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन वो टेस्टिंग है, फिर दूसरा आइसोलेशन में है और उसके बाद हम दे रहे. तो होपफुली मेरे हिसाब से दिस इज़ ओके फॉर अस. कुछ जगहों पे जहाँ हमें स्पेस है, जयपुर है, भरतपुर है, जोधपुर है और बीकानेर, ये थोड़े बड़े जेल्स हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को भी नेगेटिव भी हो उसको अंदर नहीं भेज रहे. बाहर एक हमने नया जेल खोला है, जैसे भरतपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के जो भी नए आएंगे उनको एक महिला जेल काली करके उनमें डाल रहे, नेगेटिव होने के बाद भी, ताकि वो जेलों में एंटर ही नहीं कर रहे. सिमिलरली जोधपुर महिला जेल में जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, सोजा, जैतारण, बाली, फालना, यहाँ से जो भी बंदी आते हैं उनको वहाँ डाल रहे. तो जोधपुर में किसी को भी नहीं भेज रहे. सेम थिंग बीकानेर में भी, बीकानेर, नागौर, चूरू के जो भी बंदी आते. तो ये थर्ड लेवल ऑफ एक सिक्योरिटी है, अगर नेगेटिव हो भी जाए आइसोलेशन में रखेंगे, बट मेन जेल में नहीं रखेंगे, ताकि जेल में किसी को नहीं चला दे. तो अगर ये सिस्टम थोड़ी से फॉलो करे, सावधानी तो सभी रख ही रहे, आई एम श्योर फिर उसके बाद वी एबल टू कंट्रोल इट. सर, कैदियों के साथ साथ पुलिस की भी सुरक्षा को लेकर, अंदर जो जेल पैरी है उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के? नहीं, इनको तो अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है. अब रैंडम बेसिस पे हमारा ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों को हुआ नेगेटिव आया है. सिरोही में दो या 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, झुंझुनू में 4 आए हैं स्टाफ के. तो इसका मतलब है कहीं बाहर जा रहे, कहीं से लगवा लिया. तो वी आर वरीड अबाउट दैट. तो एक बार तो हम पूरे 3,500 स्टाफ का, जो ये क्योंकि इनके साथ लगातार घूमते रहते हैं, तो उनका एक बार चेकिंग.